आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की ईडी की धरपकड़ हो रही है उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को दिया ऑफर। बीजेपी ने कहा बीजेपी में आ जाओ नहीं होगी कोई भी जांच। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता बात। दिल्ली का शिक्षा मॉडल अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपा, देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। एक तरफ अपनी पीठ तपतपाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि इतने बड़े अखबार में खबर छपवाने या छपने को लेकर कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई ने डेरा डाल दिया। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी तोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है, इसके बदले में मनीष सिसोदिया के ऊपर से सभी जांच हटा ली जाएंगी। बीजेपी द्वारा दिए गए ऑफर के जवाब में मनीष सिसोदिया का कहना है कि हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा लेंगे लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, जितने फर्जी मुकदमे करने हैं कर लो। इस पूरे मामले का खुलासा आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की ईडी की धरपकड़ हो रही है उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा, मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी यह बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना, हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे मनीष सिसोदिया। और आज इस पार्टी को, पूरी दिल्ली को मनीष सिसोदिया के ऊपर गर्व है। आपको बता दें दिल्ली शिक्षा मॉडल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के बाद ही सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को इस बयान को लेकर काफी ट्रॉल किया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस अखबार में खबर छपने या छपवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपाने के लिए, छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। हालांकि इस पूरे मामले पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि यह खबर पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदारी से छापी गई है और ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग की गई है। दिल्ली शिक्षा मॉडल की छपी खबर कोई विज्ञापन नहीं है। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर एक नए प्रदेश में बीजेपी किसी सरकार को तोड़ने में कामयाब होती है या नहीं। अगर बीजेपी इस पूरे मसूबे में कामयाब होती है तो यह देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता की बात है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप अपना सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर Facebook पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो हमारे पेज को लाइक कर लें। नमस्कार।